हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम मेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। सो गाइस, वेलकम टू टुडेस सेशन वेयर वी आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग विद योर ब्रांड न्यू सिविक्स का चैप्टर, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, राइट। हम इस बात से, इस चैप्टर से आपका क्लास 9 शुरू करने वाले हैं। हमने क्लास 9 वैसे पहले शुरू कर लिया था, बट सिविक्स की जर्नी आज हम शुरू करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि मैम इस चैप्टर को प्लीज शुरू कर दीजिए, यूनिट टेस्ट में आ रहा है। सो आई होप दैट टुडे यू विल नॉट ओनली स्टार्ट दिस चैप्टर विद मी, बट आपको सिविक्स से पीआर हो जाएगा इस चैप्टर के बाद। इतना अच्छा और मजेदार चैप्टर है ये। सो वेलकम टू टुडे सेशन, वेलकम टू माय कक्षा। अगर आप नए हो इस चैनल पे, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ वेदांतु 9th और 10th, क्योंकि आपको पता है हम आपके लिए लाते हैं अमेजिंग 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 सेशंस, नॉट ओनली फॉर क्लास 9 बट क्लास 10, क्लास 10 गोइंग टू क्लास 11। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो, थम्स अप का ऑप्शन वहीं पर है। शेयर कर देना इस वीडियो को अपने एक दोस्त, एक सहेली, एक सखी के साथ। ऑलराइट, चलो ना गाइस, शुरू करने से पहले थोड़ा सिविक्स के बारे में समझ लेते हैं। 6th, 7th, 8th में आपने सिविक्स पढ़ा था, आपने थोड़ा समझा था कि सरकार होता क्या है, इलेक्शंस होते क्या है, थोड़ा लोकतंत्र के बारे में बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी। अब आप क्लास 9 में आ गए हो, सिविक्स की जगह बुक का नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, है ना। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मतलब डेमोक्रेसी जो है वहाँ, उसकी पॉलिटिक्स क्या होती है, उसके पीछे के जो डायमेंशंस है जो हम शायद सोचते भी नहीं है वो क्या क्या है, इसके बारे में आपकी किताब यहाँ से शुरू होती है। क्लास 9 और 10 दोनों की सिविक्स आपस में बहुत जुड़ी हुई है, इसलिए याद रखना अगर आपकी क्लास 9 की सिविक्स स्ट्रांग होगी तो क्लास 10 में भी स्मूथ सेलिंग होगा, ज़्यादा आपको मुश्किल या कठिनाई नहीं होगी। मेक श्योर दैट यू वॉच ऑल द वीडियोज टिल द एंड, ध्यान से देखना। अगर आपको लगे कि वीडियो थोड़ी स्लो चल रही है, आपको फास्ट रिविजन करना है, यू कैन ऑल्सो वॉच दिस वीडियो इन 1.25x या 1.5x। पर्सनली मुझे मेरी आवाज हाई स्पीड में ज्यादा अच्छी लगती है, राइट। सो यू कैन ऑल्सो डू दैट एंड लेट अस बिगिन विदाउट मच अडू, राइट। तो वेन यू सर्च वॉट इज डेमोक्रेसी इन चाइना, कोई मतलब बोलेगा सो यू हैव चोजन डेथ, ये क्या है, ये गलत है, ठीक है। सो मतलब इन शॉर्ट, जब हम बोलते हैं कि चाइना में लोग डेमोक्रेसी, गूगल करते हैं, चाइनीज गवर्नमेंट उनको मार डालती है। ये एक जोक है बट इसके पीछे एक बहुत सच्ची गहराई वाली सच्चाई है, जिसमें आपको बताना चाह रहे हैं कि ऑल्दो चाइना अपना पीठ, अपने छाती को थम करके बोलता है एम डेमोक्रेटिक कंट्री, एम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, बट हम सब जानते हैं कि वो एक लोकतंत्र, एक डेमोक्रेसी नहीं है। तो आखिर डेमोक्रेसी होता क्या है, क्या फीचर्स होते हैं डेमोक्रेसी के, और क्यों हम डेमोक्रेसी के बारे में एक चैप्टर नहीं बल्कि पूरी किताब पढ़ रहे हैं, ऐसी क्या अच्छाई है डेमोक्रेसी में कि और किसी सरकार में हमको मिलती नहीं है, राइट। ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एज आई सेड गाइज, SST में आई वॉन्ट कि आप मुझे 3 times a week या मैक्सिमम 4 times a week अपना आधा घंटा दे दो, है ना। आधा घंटा दे सकते हो अपने टाइम का, इससे ज्यादा तो आपके टीवी सीरियल होते हैं, अनुपमा भी इतने टाइम का तो आता ही है, तो आधा घंटा मुझको दे दोगे तो आई विल मेक श्योर कि बाय द टाइम वी एंटर योर जुलाई और अगस्त, आपका सिलेबस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा SST का, एंड यू विल नेवर हैव टू रेक्टोफाई SST। थोड़ा रटना तो पड़ता ही है ना, फैक्ट्स वगैरह, बट आपको जोर नहीं लगेगा उसको रटने में, एक दिन एग्जाम से पहले पसीने आपके नहीं छूटेंगे। क्लास 9 एंड 10 SST मतलब सुरभि मैम, समझ गए, ये एक मोटो हो जाना चाहिए आप लोगों का। चलो शुरू करते हैं। नो गाइस, अगर आप किसी भी बच्चे से पूछो कि बेटा डेमोक्रेसी क्या होता है, तो एक बेसिक डेफिनेशन सबके मुंह में आती है कि डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार होती है जहां पर हमारे जो लीडर्स होते हैं उसको लोग इलेक्ट करते हैं। पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट, राइट, द लीडर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, इसको हम बोलते हैं लोकतंत्र। बट क्या ये डेफिनेशन सफिशिएंट है, पर्याप्त है डेमोक्रेसी जैसे बड़े कॉन्सेप्ट को समझने के लिए? चाइना का एग्जाम्पल ले लेते हैं। चाइना में भी तो इलेक्शंस होते हैं, अगर आपको नहीं पता मैं बता दूं, इलेक्शंस होते हैं चाइना में, वहां भी प्रेसिडेंट जो है इलेक्शंस के थ्रू ही वोट किया जाता है, पर क्या हम उसको डेमोक्रेसी बोलेंगे, क्वेश्चन। क्या डेमोक्रेसी के बाद कभी कभी लीडर्स जो है अजीब काम करने लगते हैं, सारा पावर अपने हाथ में ले लेते हैं, क्या क्योंकि इलेक्शंस हुए, क्या हम उसको डेमोक्रेसी बोलेंगे, उस फॉर्म ऑफ सरकार को?
ये जो प्रश्न होते हैं ये इस डेफिनेशन को थोड़ा घुमा देते हैं कि हाँ भाई डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना बड़ा है कि शायद उसको समझने के लिए ये एक डेफिनेशन पर्याप्त, बहुत पूरी नहीं है, राइट? अब डेमोक्रेसी शब्द आया कहाँ से? सबसे पहले डेमोक्रेसी वर्ड आया था ग्रीस में, जब वहां पर सिविलाइजेशन बन रहा था, दैट इज व्हेन दिस वर्ड वाज यूज्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो उसका ग्रीक ओरिजिन है, डेमो मतलब सिटीजन और द पीपल, क्रेसी या क्रैटोस मींस रूल, रूल ऑफ द सिटीजन, रूल ऑफ द पीपल, बेसिक चीज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इब्राहिम लिंकन जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी डेमोक्रेसी का एक डेफिनेशन दिया था जो काफ़ी फेमस है, कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की सरकार है, बाय द पीपल, लोग इसको नियुक्त इलेक्ट करते हैं, फॉर द पीपल, लोगों की भलाई के लिए जो सरकार होती है उसको हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। बहुत अच्छी डेफिनेशन है पर यह भी पर्याप्त नहीं है, ठीक है, चल समझते हैं। नाउ गाइस, आगे बढ़ने से पहले, डेमोक्रेसी हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एवरी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना? जैसे हम बोल सकते हैं कि एप्पल भी फ्रूट है, मैंगो भी फ्रूट है, ग्रेप्स भी फ्रूट है, सारे फ्रूट्स मीठे ही होते हैं, पर आपस में ये अलग अलग कैसे है, अलग अलग सरकार कैसे अलग अलग है? तो म्यांमार का एग्जाम्पल अगर हम ले तो म्यांमार में इलेक्शन होते हैं, लेकिन कौन इलेक्ट करता है? लोग उनको इलेक्ट नहीं करते, जो आर्मी में लोग हैं, आर्मी पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट। तो इसको हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी में आपको पता है ऑल द सिटीजंस शुड बी अलाउड टू वोट। सऊदी अरेबिया की बात करें तो भैया सऊदी अरेबिया में तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, वहां तो राज ठाट है, वहां तो मोनार्की है। ओके, मेरा माइक नीचे गिर गया, आई होप आपको सुनाई दे रहा था। वहां पर मोनार्की है, इसका मतलब वहां राजा का एक रूल है, उसके अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सकता, इलेक्शन से नहीं होते, हेंस वो डेमोक्रेसी नहीं है। चाइल की बात करें या चिले की बात करें तो वहां पर डिक्टेटर है, डिक्टेटर मतलब जब एक इंसान के पास एब्सोल्यूट पावर होती है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन डिक्टेटरशिप एंड मोनार्की, तो डिफरेंस समझते हैं। मोनार्की में क्या होता है ना, जो राजा होता है सब उसकी बात इसीलिए सुनते हैं क्योंकि माना जाता है कि इस राजा को भगवान ने खुद नियुक्त किया है, थोड़ा उसमें एक रिलीजियस एस्पेक्ट हो जाता है। डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता, डिक्टेटरशिप में एक इंसान ने जोर जबरदस्ती से थ्रू फोर्स पावर अपने हाथ में ली होती है। जैसे अगर आज मैं पावर ले लूं वेदांतु के अपने हाथ में, हा हा, बाय एपी सर, बाय अभिषेक सर, तो मैं डिक्टेटर हुई, है ना? आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी वेदांतु में सबको, क्योंकि मैंने फोर्सफुली वो पावर ली, और अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी मैं फोर्सफुली आपके ऊपर डंडा चलाऊंगी, ठीक है? तो थोड़ा फोर्स की बात आ जाती है या थोड़ा रिलीजन की बात आ जाती है मोनार्की में, तो इस डिफरेंस को याद रखना। तो अलग अलग टाइप के सरकार गवर्नमेंट्स है इस दुनिया में। अब हम समझने वाले हैं कि भैया डेमोक्रेसी को हम कैसे डिफाइन करें, ऐसा कौन सा कंट्री है जिसको हम डेमोक्रेटिक बोल सकते हैं, क्या डेमोक्रेसी के लिए सिर्फ इलेक्शंस काफी होते हैं, इलेक्शंस के बाद सरकार क्या करती है उसका कोई रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी के अंडर, व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट शुड अ डेमोक्रेसी हैव, ये सारे क्वेश्चंस ये चैप्टर जो है उसको समझेगा। आज का जो सेशन है इसमें हम चार फीचर्स याद करने वाले हैं। चार फीचर्स को याद करने के लिए एनसीईआरटी सीबीएसई ने दिमाग का खेल खेला है, उन्होंने बोला नहीं कि बेटा ये रट लो जाके उल्टी कर लो, नहीं, उन्होंने आपको ये लाइन ये कॉन्सेप्ट समझाया है बाय गोइंग अराउंड द वर्ल्ड लुकिंग फॉर गुड एग्जांपल्स। इसलिए आपकी सीबीएसई बुक ना जिसने भी बनाई है बड़ा सोच समझ के बनाई है, ठीक है? तो चलो समझते हैं। पहला फीचर है डेमोक्रेसी का कि मेजर डिसीशंस आर टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स, मतलब जिन लीडर्स को हम इलेक्ट करते हैं उनको हमारे लिए डिसीशंस लेना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि परिवार कोई डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि माँ बाप हमारे लिए डिसीशन लेते हैं और माँ बाप को हमने इलेक्ट थोड़ी ना किया, जहां पैदा हो गए बस वही हमारा परिवार, राइट? बट किसी भी देश में डेमोक्रेसी अगर है तो आपके सारे डिसीशन, सड़क कहाँ बननी है, हॉस्पिटल कहाँ बनना है, कोविड को कैसे खत्म करना है, ये डिसीशन इलेक्टेड लोगों ने, जो नियुक्त नहीं होता वर्ड, रिकॉर्ड वर्ड होता है, इलेक्ट किया है वो लीडर्स को लेना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जहां ऐसा नहीं होता, एंड दैट इज आर नेबर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी थी,
फिर 1990 में जनरल परवेज मुशर्रफ, ये है हमारे जनरल परवेज मुशर्रफ, वेरी स्मार्ट बाय द वे, राइट, मतलब चलो बाद में बताऊंगी कहानी। तो जनरल परवेज 1999 अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने मिलिट्री कू किया। मिलिट्री कू क्या होता है? कूप नहीं होता, कूप, कू, 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 कू। मिलिट्री कू क्या होता है कि एक आर्मी ऑफिसर थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी ऑफिसर थे, इनकी बहुत ज्यादा सोल्जर्स फॉलोइंग थी, तो उन्होंने उस फॉलोइंग और अपने हाथ में जो पावर थी उसके यू नो उसको अपने हाथ में लेके जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया, जो एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर था उनको हटा के अपने आप को कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है नियुक्त कर दिया। अब चीफ एग्जीक्यूटिव कोई पोजीशन नहीं होती, उनको भी पता था, वो तो कहने कहने की बात थी कि हम चीफ एग्जीक्यूटिव है। थोड़े टाइम में उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट कहलाना शुरू कर दिया। अब 2002 आया, लोगों ने बोला भाई इलेक्शंस कराओ, तुम कोई इलेक्टेड लीडर थोड़ी ना हो, तो उन्होंने देश में रेफरेंडम कराया। रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम एक ऐसा वोट होता है देश में जिसमें आप पे दो ऑप्शन होते हैं, यस या नो। फॉर एग्जाम्पल, डू यू वॉन्ट सुरभि मैम एज योर SST टीचर? आपके पास दो ऑप्शन होंगे, येस और नो। 50 बच्चों के ऑप्शन दिया जाएगा, 50 के 50 बच्चे बोलेंगे येस बिकॉज ऑब्वियसली आई एम बेस्ट, है ना। तो वो हुआ रेफरेंडम। मैं कहूंगी मैं रेफरेंडम के थ्रू जो हूँ बेस्ट SST टीचर हूँ यूट्यूब की, है ना। तो परवेज मुशर्रफ ने ऐसा रेफरेंडम कराया 2002 देश में, जिन्होंने उसमें जिन्होंने क्वेश्चन लिखा कि डू यू वॉन्ट परवेज मुशर्रफ फॉर द नेक्स्ट 5 years, अपने आपको 5 साल का एक्सटेंशन दिया। तो लोगों ने लिखा यस yes. अब आप कहोगे कि मैम ये तो इलेक्शंस हो गए, लोगों ने यस yes लिखा, वोटिंग जैसा ही तो है। बट ये रेफरेंडम फेयर नहीं था। बहुत लोगों ने बोला, बहुत ऑपोजिशन पार्टीज, बहुत ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविस्ट ने बोला कि रेफरेंडम में जब लोगों ने नो दबाने की कोशिश की तो बटन नहीं काम कर रहा था, उनके पास ऑप्शन ही नहीं था, नो वाले वोट को काउंट ही नहीं किए गए, काउंट किए गए तो सिर्फ यस वाले वोट को। तो माल प्रैक्टिस के थ्रू, मतलब गलत प्रैक्टिसेस के थ्रू, परवेज मुशर्रफ जो है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने। अब आप बताओ, क्या इस तरीके के इलेक्शंस को हम डेमोक्रेटिक बोल सकते हैं? क्या इस तरीके की सरकार को हम लोकतंत्र बोल सकते हैं? ऑब्वियस आंसर है, कॉमन सेंस का आंसर है कि नहीं, इलेक्शंस हुए बट गलत तरीके से हुए। अब अगस्त 2002 में उन्होंने एक फ्रेमवर्क इशू किया कॉल्ड द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया। किस तरीके से बदला? उन्होंने बोला कि जो प्रेसिडेंट है, मतलब वो खुद, वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस कर सकते हैं। ध्यान से सुनो, जो पार्लियामेंट होता है, जहां जहां लॉ बनाया जाता है, पाकिस्तान में जो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली थी जहां लॉ बनाया जाता था, जहां वो लोग जो कॉमन पीपल इलेक्ट करते थे, मिनिस्टर्स, MPs वगैरह, उसको प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ जो एक नॉन इलेक्टेड एंटिटी है, जो जबरदस्ती से डिक्टेटर बन गए हैं, वो डिसमिस कर सकते हैं। समझ गए? तो ये तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि यहां पर इलेक्टेड पीपल आर नॉट टेकिंग द फाइनल डिसीशन। फाइनल डिसीशन देश का कौन ले रहा है? परवेज मुशर्रफ जी, जो इलेक्टेड नहीं है। अच्छा, एक और चीज परवेज मुशर्रफ ने किया, क्योंकि वो खुद एक आर्मी ऑफिसर थे, इतने सारे सोल्जर्स उनको फॉलो करते थे, तो ऐसे थोड़ी ना फॉलो करते थे कि भैया लड्डू मिलेंगे, उन्हें तो लग रहा था कि हमको पावर मिलेगी। तो परवेज मुशर्रफ ने उनको भी थोड़ी पावर दी। उन्होंने कहा कि जो सिविलियन कैबिनेट होगा, मतलब जो लोग, पीपल विल इलेक्ट देयर मिनिस्टर्स, इलेक्शंस होंगे नॉर्मली, पर वो जो कैबिनेट बनेगी, वो जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो जो मिनिस्टर्स बनेंगे, उसको जो है सुपरवाइज करेगा मिलिट्री ऑफिसर्स। The military officers will supervise the citizen, the civilian cabinet. समझ गए? Right? तो obviously यहां पर आपको दिख ही रहा है कि elections were held. Elections के बाद prime minister भी हो रहा है, cabinet भी हो रही है, but final decision making power परवेज मुशर्रफ पे है, army officers पे है, जो elected नहीं है, who are not elected. राइट तो हम इसको डेमोक्रेसी क्यों नहीं बोलेंगे? इवन दो यहां पर इलेक्शंस होते हैं, जो पीपल हु आर इलेक्टेड, द लीडर्स हु आर इलेक्टेड, दे डू नॉट हैव द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर। फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में है? जनरल परवेज मुशर्रफ के और आर्मी के, जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जाता है। तो हम पहला फीचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या कहेंगे? कि लोकतंत्र वो सरकार है
जहां पर पावर जो है, डिसीशन मेकिंग पावर रेस्ट विद द पीपल हु आर इलेक्टेड. जो इलेक्टेड लोग हैं उनके हाथ में पावर होगी. वो होता है फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. क्लियर? समझ गए? चलो अब हम दूसरे फीचर पे आते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन. ये क्या होता है? अब गाइस हम ये तो समझ गए कि भैया इलेक्शंस हो रहे हैं, बट इलेक्शंस के बाद जो लीडर्स हैं उनको डिसीशन लेना चाहिए. बट ये इलेक्शंस भी जो हो रहे हैं वो फ्री और फेयर होना चाहिए. इसको समझने के लिए चलते हैं अपने दूसरे नेबर. हमारे नेबर्स भी कैसे हैं ना, अलग ही तरीके. एक पीसफुल नेबर मिल जाता है. वैसे नेपाल अच्छा है, श्रीलंका भी ठीक है. चलो एनीवेज, तो एक है हमारा चाइना. अब चाइना भी बोलता है कि हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं, हम तो डेमोक्रेसी है, हम अंगूर जैसे दिखते हैं, अंगूर जैसा टेस्ट करते हैं, तो हम अंगूर है. पर क्या चाइना अंगूर है? क्वेश्चन ये है, क्या चाइना डेमोक्रेसी है? राइट? अब चाइना में जो पार्लियामेंट है उसका नाम है द नेशनल पीपल्स कांग्रेस. इस तरीके से समझ लो कि कंट्री का पार्लियामेंट है NPC, नेशनल पीपल्स कांग्रेस. और जैसे हमारे देश में पार्लियामेंट जो है प्राइम मिनिस्टर को चूज करता है, वहां पर भी जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है वो प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री को चूज करता है. समझ गए? अब नेशनल पीपल्स कांग्रेस में 3000 मेंबर्स हैं दैट आर इलेक्टेड फ्रॉम ऑल अक्रॉस चाइना. कुछ मेंबर्स आर्मी से भी इलेक्ट होके आते हैं. तो आप कहोगे कि मैम चाइना तो अंगूर ही लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ इलेक्शंस भी हो रहे हैं, 3000 मेंबर्स का इलेक्शन हो रहा है और ये मेंबर्स प्रेसिडेंट को भी चूज कर रहे हैं जो देश के लिए डिसीशंस ले रहा है. अंगूर जैसा लग रहा है, बट अंगूर में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ आया ट्विस्ट. अगर आप इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाहते हो तो यू नीड द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. मतलब एक वहां मेजर पार्टी है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. अगर आपको उसका अप्रूवल मिलता है तभी आप इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते हो, तभी आप जो हो पार्लियामेंट विच इज द नेशनल पीपल कांग्रेस NPC का पार्ट बन सकते हो. तो जो भी पार्टीज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर है या जो भी मेंबर है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का, वही बन सकता है पार्लियामेंट का पार्ट और वही बन सकता है प्रेसिडेंट. तो एक तरीके से क्या बात हुई? ये बात हुई अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, हु इज द बेस्ट टीचर ऑफ SST ऑन यूट्यूब, और मैं आपको 4 ऑप्शंस दूं, भैया 5 दूं. एक है सुरभि गुप्ता, दूसरा है सुरभि गुप्ता, तीसरा है सुरभि गुप्ता, चौथा है सुरभि गुप्ता, पांचवा है ऑल ऑफ द अबव, है ना. ये तो यही बात हो गई. यहाँ चाइना में इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्टेड लोग ही डिसीशन ले रहे हैं फाइनल, लेकिन इलेक्शन में जो आपको चॉइसेस मिल रही है, जो लोगों को चॉइसेस मिल रही है, वो सब कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर है. तो आपको कोई चॉइस ही नहीं मिली. अगर सभी कांग्रेस या सभी BJP के मेंबर्स हैं तो आपको चॉइस थोड़ी ना मिली, एक प्रॉपर चॉइस. इसको हम डेमोक्रेसी थोड़ी ना बोलेंगे. दिस इज नॉट अ फेयर इलेक्शन, दिस इज नॉट अ फेयर इलेक्शन बिकॉज हियर इट इज नॉट अ फ्री इलेक्शन, क्योंकि यहां पर लोगों को एक प्रॉपर चॉइस नहीं मिली है. समझ गए? इलेक्शंस हो रहे हैं, सब कुछ है, अंगूर दिख रहा है, अंगूर मीठा है, पर अंगूर नहीं है. अंगूर का एग्जाम्पल छोड़ते हैं. चलो अब हम आते हैं मेक्सिको पे. एक और एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया, अगर आपको समझ सा ना आया हो तो. मेक्सिको जो है साउथ अमेरिका में एक कंट्री है, इट इज हाँ सही बोल रही हूँ ना, मतलब नॉर्थ अमेरिका में एक कंट्री है मेक्सिको. वहाँ इलेक्शंस होते हैं वंस इन एवरी 6 इयर्स फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. अब यहाँ इलेक्शंस जो है अच्छी तरीके से होते हैं. एंड मैं बता दूँ, वहाँ कभी डिक्टेटर नहीं आया हो है, कभी पाकिस्तान के तरह मिलिट्री रूल भी नहीं आया है. राइट? वहां पर इलेक्शन हमेशा एक ही पार्टी जीतती है, एंड दैट इज PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी. ठीक है, आप PRI क्यों है, पर इसका उल्टा क्यों है पता नहीं मुझको गाइस, मुझे चेक करना पड़ेगा. अगर आपको पता है बता दो. इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी ये हमेशा जीतती है. अब मुझे पता है आप कहोगे कि मैम हो सकता है पॉपुलर हो, अगर एक इंसान हमेशा टॉप कर रहा है फ्रॉम नर्सरी टू 12th, जल क्यों रहे हो आप? हो सकता है वो होशियार हो, तो हो सकता है ये PRI जो है काफी पॉपुलर हो. बट एक बच्चा टॉप नहीं कर सकता गाइस, नहीं कर सकता. वैसे ही यहां पर भी काफी गड़बड़ थी. क्या गड़बड़ थी?
पीआरआई के अलावा ऑपोजिशन पार्टीज भी थी, बट इलेक्शन के टाइम पीआरआई बहुत डर्टी ट्रिक्स प्ले करता था इलेक्शन जीतने के लिए। एक इंसान टॉपर थ्रू आउट इसीलिए रहा क्योंकि उसके पास हमेशा क्वेश्चन पेपर एग्जाम से पहले होता था, वो चीटिंग कर पाता था तो भैया तुम ही टॉपर बनोगे। वैसे ही यहाँ पर जो पीआरआई है, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ मेक्सिको, ये क्या करता था कि जो स्कूल टीचर्स है उनको फोर्स करता था कि तुम पेरेंट्स को फोर्स करो कि वो हमें ही वोट करें। आखिरी मोमेंट पे जो पोलिंग बूथ्स होते थे उसका जो मतलब एड्रेस था, जैसे लोग वहां जा रहे हैं वोट देने, उसको चेंज कर देता था कि अब तो कहीं और वोट देने जाना पड़ेगा, तो लोग सोचते थे यार वहां कौन जाएगा, घर पे बैठते हैं। तो इट वुड मेक इट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट देयर वोट्स, राइट। जो मीडिया होती थी उसको खरीद ली थी पीआरआई ने, तो मीडिया सिर्फ ऑपोजिशन की बुराई करता था, पीआरआई की सच्चाई नहीं बताता था लोगों को। पीआरआई जो है बहुत सारा पैसा खर्च करती थी इन मीडिया कैंपेन्स, इन एडवर्टाइजमेंट फॉर इट्स कैंडिडेट्स, तो ऑब्वियसली मतलब इसके वजह से कैंडिडेट्स भी थोड़ा लोगों को दिखता था और यही है जो है कैंडिडेट्स, है ना। जो एम्प्लॉयज होते थे गवर्नमेंट ऑफिसेस के, है ना, दे वर फोर्स्ड टू अटेंड द मीटिंग्स ऑफ पीआरआई। देखो पॉलिटिकल पार्टी और जो एग्जीक्यूटिव है, जो सरकारी ऑफिसर्स है, वो अलग अलग होने चाहिए, बट जब सरकारी ऑफिसर्स को फोर्स करा जा रहा है तो एक तरीके से बोला जा रहा है कि बेटा तुम हमें ही वोट दो, राइट। तो क्या हुआ मेक्सिको में, हम क्या समझे, मेक्सिको में इलेक्शंस हो रहे हैं, एक पार्टी जीत रही है, बट इलेक्शन जिस तरीके से हो रहे हैं वो फ्री और फेयर नहीं है, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस। चाइना में क्या हो रहा था, चाइना में इलेक्शंस हो रहे थे बट लोगों को चॉइस ही नहीं थी, चारों एमसीक्यू क्वेश्चन में सुरभि गुप्ता ही था। मेक्सिको में ऐसा लग रहा था लोगों के पास चॉइस है, ऑपोजिशन पार्टी भी थी बट डर्टी ट्रिक्स प्ले की जा रही थी जिससे लोग या तो वोट ही नहीं कर पा रहे हैं या फिर सिर्फ पीआरआई को ही वोट कर रहे हैं। यहां पर सिर्फ एक ही पार्टी है जो डोमिनेंट है, लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, बस इसी पार्टी को वोट करने का ऑप्शन था। यहां पर जो है पार्टी ने जो है पूरा गेम इस तरीके से कर दिया था कि वही जीत रही थी, द गेम वॉज रिग्ड, जैसे बोलते हैं यार ये शुरू से ही चीटिंग चल रही है, गेम हम कभी जीत ही नहीं सकते थे। इस तरीके से मेक्सिको में पीआरआई ने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया था। तो हम सेकेंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी पे आते हैं। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, अब बोर हो रहे हो तो गाइस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाओ ना, स्टोरी है ये, कितने मजेदार स्टोरी है, है ना, कि भैया लोकतंत्र को कितने लोगों ने क्या मस्त मैनिपुलेट कर रखा है। और आप घर पे बैठ के टीवी देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, आप भी करो कुछ मैनिपुलेट, नहीं सुधार। सेकेंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोस करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। मतलब एक डेमोक्रेटिक सरकार तभी डेमोक्रेटिक कहलाएगी जब आज अगर वो जीतती है तो कल उसका हारना भी संभव होना चाहिए। ये नहीं एक ही सरकार बार बार एक के बाद एक जीती जा रही है, दैट इज नॉट अ साइन ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट पे जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी, मतलब वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। जैसे हमारे देश में हम बोलते हैं कि चाहे आप कांताबाई हो जो मेड हो, चाहे आप अंबानी हो, सबको वन वोट मिलता है, एक वोट मिलता है और सबके वोट की एक ही वैल्यू है। ऐसा नहीं कि आप अमीर हो तो आपके वोट की 5 हो गई वैल्यू, ऐसा नहीं है। बट क्या हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा होता है? जैसे आपने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है वेयर पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल। बट इलेक्शंस भी तो इक्वालिटी के बेसिस पे होने चाहिए। जैसे सऊदी अरेबिया में वुमेन को तो वोट करने का क्या, ड्राइव करने का भी एक यू नो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, राइट। एक और है एस्टोनिया। एस्टोनिया कैसा कंट्री है जहाँ प्लांटेशन, इंडिया से भी काफ़ी प्लांटेशन वर्कर्स गए थे जब ब्रिटिशर्स उन्हें ले गए थे प्लांटेशन वर्क करने। तो एस्टोनिया में जो क्या होता है कि पीपल, नहीं सॉरी गलत बोल दिया मैंने, इग्नोर एस्टोनिया रशिया के पास है, तो जो रशियन लोग एस्टोनिया में है उनको सिटीजनशिप तो मिल जाती है लेकिन उनकी वोट की जो वैल्यू है वो प्योर एस्टोनियन से कम है। वैसे फिजी में जहाँ इंडियन गए थे प्लांटेशन वर्क करने, जो ओरिजिनल फिजी इनहैबिटेंट्स है उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा है, जो इंडियन फिजियंस है उनकी वोट की वैल्यू कम है। तो अगर एक फिजी पर्सन वोट कर रहा है दैट मीन्स 5 वोट्स, पर अगर एक इंडियन फिजी वोट कर रहा है दैट इज 1 वोट। इज दिस डेमोक्रेसी? नो, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी।
डेमोक्रेसी का थर्ड फीचर है दैट एवरी अडल्ट पर्सन शुड हैव वन वोट एंड ईच वोट शुड हैव वन वैल्यू। हम सब जो है इंडियंस है, भाई बहन है, हम सब एक ही तरीके के अमरूद है, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, बट जब हमको काटो और खाओ तो एक ही टेस्ट आना चाहिए। क्या फ्रूट्स लेकर, आई थिंक आई शुड जस्ट स्टॉप थिंकिंग ऑफ फ्रूट्स, राइट? अब समझ गए हो ना, मतलब ये कॉन्सेप्ट भी ईजी था। अब हम आते हैं फोर्थ कॉन्सेप्ट पे, विच इज अ लिटिल ट्विस्टेड, तो ध्यान से सुनना। रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट क्या होता है? रूल ऑफ लॉ आपने 8th स्टैंडर्ड से पढ़ा है, 7th से पढ़ा है शायद, कि लॉ जो है सुप्रीम होता है। चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे आप अंबानी हो, चाहे आप सुरीमान हो, चाहे आप कांताबाई हो, चाहे आप कोई भी हो, सबको एक ही रूल बुक फॉलो करना है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। अब एक डेमोक्रेटिक सरकार वो होती है जहां पर रेस्पेक्ट करते हैं हम लोगों के हक की, जहां पर लॉ जो है फॉलो किया जाता है। इसको हम समझते हैं विद एन एग्जांपल ऑफ जिम्बाब्वे, विच इज अ कंट्री इन अफ्रीका। नाउ जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिली थी यू नो फ्रॉम वाइट डोमिनेशन, जैसे हमें ब्रिटिशर्स से मिली, जिम्बाब्वे को भी मिली 1980 में। उसके बाद क्योंकि जैसे इंडियन कांग्रेस पार्टी हमारे आईसीपी काफी पॉपुलर हो गई थी, वैसे उस कंट्री में भी एक पार्टी थी जानू पीएफ, विच बिकेम वेरी पॉपुलर, क्योंकि उसी ने ब्रिटिशर्स को हटाया था, तो ऑब्वियसली वो काफी पॉपुलर हो गई थी। तो वहां पर एक लीडर था कॉल्ड प्रेसिडेंट मुगाबे, जो मुगाम्बो नहीं है, मुगाम्बो खुश हुआ, मुगाबे, प्रेसिडेंट मुगाबे, ही बिकेम वेरी वेरी पॉपुलर। तो ऑब्वियसली गाइस, जैसे गांधी जी पॉपुलर थे, जवाहरलाल नेहरू जी पॉपुलर थे, ये भी पॉपुलर थे, बट हमारे यहाँ चाहे आप कुछ भी कितनी भी बुराई कर लो, जो हमारे लीडर्स थे ब्रिटिशर्स के बाद, दे स्टिल ट्राई टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी इन इंडिया। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस उन्होंने बनाए, कोशिश की कि डेमोक्रेसी बनी रहे हमारे देश में। मुगाबे ने ऐसा नहीं किया, मुगाबे ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने विद टाइम अपनी जो है पावर बढ़ा दी, रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर दिया, उन्होंने कहा रूल ऑफ मुगाबे होगा, अच्छा मैं कॉन्स्टिट्यूशन को बदलूंगा और हम सब कॉन्स्टिट्यूशन मानेंगे। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन सैक्रोसैंक्ट है, उसको बदलने में काफी मेहनत है ना, अमेंड ऐसे ही नहीं कर सकते। बट यहाँ पर मुगाबे ने जब मन चाहा कॉन्स्टिट्यूशन बदल लिया, अपने आप को बहुत पावर दे दी है ना, और एक तरीके से अपने आप को लेस अकाउंटेबल बनाया। अकाउंटेबल मतलब आज अगर हम चाहें तो अपने प्राइम मिनिस्टर और सरकार से क्वेश्चन कर सकते हैं कि भैया तुम ये काम क्यों कर रहे हो, क्यों पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, हम उनको सरकार से हटा सकते हैं। बट मुगाबे ने इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन चेंज की कि उन्होंने जो है अपने आप को कम अकाउंटेबल किया, लोग उनसे क्वेश्चन करना, उनको क्रिटिसाइज नहीं कर पा रहे थे। क्लियर नाउ? अच्छा अब आप कहोगे कि मैम मतलब अब आप समझ लो ना, इलेक्शंस हो रहे हैं, मुगाबे बहुत पॉपुलर है, वो इलेक्ट भी हो रहे हैं, बट इलेक्शन के बाद जो उन्होंने काम किए वो डेमोक्रेटिक नहीं है। ऑपोजिशन पार्टीज को परेशान करना, उनकी मीटिंग्स को डिसरप्ट करना, अगर कोई पब्लिक प्रोटेस्ट हो रहे थे सरकार के खिलाफ तो उसको इलीगल यू नो ठहराना और बोलना कि भैया ये अलाउड नहीं है, आप हमारे अगेंस्ट क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज करना, उनकी बुराई करने के ऊपर रोक लगा दी गई थी। मीडिया के ऊपर सरकार का इतना कंट्रोल था कि टीवी हो या रेडियो हो, वहां पर मुगाबे और उनके सरकार के अगेंस्ट कोई बोल नहीं सकता था। जर्नलिस्ट भी जो थे इंडिपेंडेंट थे, उनको जेल में डाल दिया जाता था। तो इस तरीके से जजेस को भी जो है एक तरीके से हटा दिया जाता था अगर वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जजमेंट करते थे। तो क्या आप इसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहोगे? नहीं, क्योंकि यहां पर ऑल्दो सरकार पॉपुलर है, पॉपुलर मतलब लोगों ने इलेक्ट की है, ऑल्दो इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हुए हैं, ऑल्दो डिसीशन इलेक्टेड लीडर्स ले रहे हैं, लेकिन जो डिसीशंस ले रहे हैं वो डेमोक्रेटिक नहीं है। तो इलेक्शंस भी फ्री एंड फेयर होने चाहिए, लीडर्स भी इलेक्टेड लीडर्स को ही डिसीशन लेना चाहिए, वन वोट वन वैल्यू होना चाहिए, एंड आफ्टर इलेक्शंस भी जो डिसीशंस लिए जा रहे हैं वो भी डेमोक्रेटिक होने चाहिए, तभी हम उस सरकार को डेमोक्रेसी कहेंगे। मीठा होगा, इस शेप का होगा, येलो कलर का होगा, तभी वो मैंगो होगा, फीचर सारे के सारे मैच करने चाहिए, तभी ये डेमोक्रेसी होगी, राइट?
तो एक डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार होगी जहां पर सिटीजन्स के राइट्स को रेस्पेक्ट की जा रही है, जहां पर अगर कोई सरकार को क्रिटिसाइज करना चाहे तो उसको रोक नहीं लगाया जा रहा, उसको एंटी नेशनल नहीं बोला जा रहा, उसे इलीगल नहीं बोला जा रहा, जहां पर लॉ के सामने कानून के सामने सबकी बराबरी है। ये नहीं कि भैया कुछ लोगों को ज्यादा वोट्स दिए जा रहे हैं, कुछ लोगों को कम। जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, ये नहीं कि भैया अगर जुडिशियरी के जज ने गलत जजमेंट दे दिया, आपके खिलाफ दे दिया, तो आप उसको अपने पोजीशन से ही हटा रहे हो, ऐसा अलाउड नहीं होना चाहिए। जुडिशियरी शुड बी इंडिपेंडेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स हो जाते हैं। तो फाइनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी कहा है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, सरकार ऐसी होती है जो अपने सिटीजन के हक के लिए लड़े, जो कॉन्स्टिट्यूशन, ये नहीं कॉन्स्टिट्यूशन जब मन करे चेंज कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन को सैक्रोसैंक्ट, अपनी गीता बाइबल कुरान समझे कि भैया सरकार के लिए बस वही एक किताब है जो उसे फॉलो करनी है, चाहे वो सरकार है चाहे उस पर बहुत पावर है, राइट। सो इन समराइज समरी, तो आपका जो चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी, आई होप नाउ यू नो कि सिर्फ ये डेफिनेशन बोलना वन दैट इज इलेक्टेड बाई द पीपल इज नॉट सफिशियंट। एक ऐसी सरकार जहां पर लीडर्स आर द लीडर्स जो फाइनल डिसीजन ले रहे हैं वो इलेक्टेड है, जहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, जहां पर सारे लोगों के पास इक्वल वोट्स है, एक वैल्यू के वोट्स है, जहां पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ को एक एक पावर दी जा रही है, नहीं कि रूल, कोई भी रूल कोई भी लॉ चल रहा है, रूल ऑफ लॉ है, दैट इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तालियां तालियां, क्या पढ़ाया है मैंने, क्या समझाया आपने बच्चों, क्या समझाया। अब याद कर लेना ये चार फीचर्स को। अब कुछ कुछ फैक्ट्स आपको इसमें याद करने, बड़े आसान से फैक्ट्स है इस कंट्रीज के बारे में, वो आप आराम से कर लोगे। अगले क्लास में हम पढ़ने वाले हैं व्हाई डेमोक्रेसी, मेक श्योर दैट यू अटेंड दैट सेशन, बहुत अच्छी तरह वो भी समझाऊंगी कि भैया डेमोक्रेसी क्यों। एक इंसान सुरभी मैम है ना हमें रूल करने के लिए, बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड एंड बेस्ट टीचर ऑन यूट्यूब। Alright, now before we go, let's go do the homework. Some of the drawbacks of democracy are, ये by the way guys अगले session का है, but कोई बात नहीं, यहाँ पर आ गया तो, what kind of government is there in Myanmar? Which of these statements are correct in the case of Zimbabwe? That's it. I will be putting the notes of the session on the Telegram channel. So do not forget to be a part of our Telegram family. एक और question आपके लिए, who is the best teacher of YouTube SST? Surbhi Gupta ma'am. All of the above. ये है आपके options. हम है एक लोकतंत्र. And with this, I'm gonna end this session. Do not forget to give a thumbs up to this video. Share this video with your friends. Subscribe to this channel. And I'll be seeing you in the next session. Bye bye.